अपनी और हाथियों की मूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट में बोली मायावती, ये लोगों की इच्छा थी। नमस्कार, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी और हाथियों की प्रतिमाओं पर पैसा खर्चा करने के मामले में अपना इरफान मौला दाखिल किया है। उन्होंने शहरों में अपने द्वारा बनाई गई मूर्तियों की स्थापना को सही ठहराया और कहा कि ये लोगों की इच्छा थी। मायावती ने इरफाननामे में कहा कि विधानसभा की इच्छा का उल्लंघन कैसे करूं? इन प्रतिमाओं के माध्यम से विधानमंडल ने आदर व्यक्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए मूर्तियों के लिए उनकी तरफ से बजट का उचित अवगठन किया गया है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि ये पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए था, अस्पताल पर। यह एक बहस का सवाल है और इसे अदालत द्वारा तय नहीं किया जा सकता। प्रतिमाएं लोगों को प्रेरणा देने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने हाथियों की मूर्तियों पर कहा गया कि प्रतिमाएं केवल वास्तुशिल्प की बनावट है और ये बसपा के प्रतीक चिन्ह का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मायावती ने अपने इरफान मौले में कहा कि अनुसूचित जाति के नेताओं द्वारा बनाई गई मूर्तियों पर ही सवाल क्यों? भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टी द्वारा जनता का पैसा इस्तेमाल किए जाने पर सवाल क्यों नहीं? इस इरफान नामे पर मायावती ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार पटेल और जयललिता आदि की मूर्तियों का हवाला भी दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उसका विचार है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रतिमाओं पर लगाया जनता का पैसा लौटाना चाहिए। मायावती और उनकी पार्टी के चिन्ह हाथी की प्रतिमा नोएडा और लखनऊ में बनाई गई। एक वकील ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि नेताओं द्वारा अपनी और पार्टी के चिन्ह की प्रतिमाएं बनाने पर जनता का पैसा खर्च करने का निर्देश दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।